हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द रियल मी। मैं हूँ शालिनी। सो फाइनली द डे है कम जिसमें मैं आप सबके साथ बैठ के आराम से चिल मोड में बात कर सकती हूँ। माय फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट, मतलब मैं एक्साइटेड थी और अभी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सारी चीज़ें शेयर करने के लिए, क्योंकि आई नो अभी भी मेरा वो स्ट्रगलिंग फेस चल रहा है, बट मैंने कुछ माइलस्टोन्स अचीव कर लिए हैं जिसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सारी चीज़ें मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ, कैसे मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, कब क्या क्या प्रोसेस तो पूरा डिटेल में नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट हाँ कितना पेमेंट मिला, कब पेमेंट आता है, सारी चीज़ें डिटेल में विद प्रूफ शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो पहले बात कर लेते हैं कि कोई एक चैनल मोनेटाइज कब होता है। तो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसको फुलफिल करने होते हैं, जो कि अगर आप क्रिएटर हो तो आपको पता होगा, जैसे कि 1000 सब्सक्राइबर, 4000 आवर्स वॉच टाइम, 2-step वेरिफिकेशन आपके चैनल पर होना चाहिए, और साथ ही साथ कोई एक्टिव गाइडलाइंस स्ट्राइक ना हो। सो अगर मैं अपनी बात करूं, बिकॉज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए यहाँ पे आप लोगों से ये इंटरेक्ट कर रही हूँ, ताकि कुछ लोगों की हेल्प भी हो जाए और मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। सो फॉर मी यूट्यूब इज़ नॉट समथिंग दैट आई डू फुल टाइम। हाँ, फॉर मी यूट्यूब इज़ जस्ट लाइक आई प्रिफर यूट्यूब एज अ सोशल मीडिया, एज अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सो दैट अपने में जो बहुत सारे फोबियाज हैं ना जो मुझे आगे बढ़ने से रोकते हैं, उस चीज़ को मैं ओवरकम कर पाऊँ। और मुझे शुरू से ना बहुत मैं इंट्रोवर्ट भी हूँ, लेकिन मुझे लोगों से मिलना भी पसंद है। होता है ना, मैं अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि कोई मुझे मेरे काम से पहचाने। दैट्स वाई आई डू यूट्यूब, और इसीलिए मैं शायद कंटिन्यू कर पाई हूँ। सो फर्स्टली जब मैंने यूट्यूब बनाया था ना, तो मेरे दिमाग में ये पेमेंट वाला और यूट्यूब पे करता ये सब बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि आज से 4 साल पहले मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था। मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था 11 मई 2018। ठीक है, इसके पीछे बहुत अच्छी स्टोरी है कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था, शॉर्ट में बताते हैं आपको। मैं ग्रेजुएशन का टाइम चल रहा था, मेरा ग्रेजुएशन में थी मैं, मुझे कुछ लोगों ने ऐसा अप्रोच किया कि आओ एक फन कंटेंट शूट करते हैं, एक नॉर्मल सा, मतलब 2018 समझ रहे हो आप, यूट्यूब बहुत ज़्यादा ऐसा कॉमन नहीं हुआ था हर किसी के लिए, बहुत रेयर लोग ही चैनल बनाते थे, बहुत कम लोग ही जिसके पास कैमरा वगैरह होता था ना, मतलब एक अलग ही क्रेज़ था उसका कि जिसके पास कैमरा है मतलब वो यूट्यूब, मतलब मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं था और ना मैं उतना सोच सकती थी। तो मुझे ही कुछ लोगों ने अप्रोच किया कि आओ थोड़ा एक फन कंटेंट है शूट करते, तो मुझे बस इसी बात की खुशी थी कि मैं थोड़ी देर के लिए कैमरे में आऊँगी। ठीक है, गई, शूट की, सब किया, लेकिन मेरे अंदर वो सेटिस्फैक्शन वाला नहीं आ रहा था कि भाई नहीं, मुझे मज़ा नहीं आया। फिर मेरे को लगा भाई मैं भी तो अपना चैनल बना सकती हूँ, लेकिन कुछ भी नल, मुझे ज़रा सा भी नॉलेज नहीं था कैसे चैनल बनाते हैं, कैसे शूट करते हैं। मेरे पास बहुत नॉर्मल सा फ़ोन था, मुझे याद भी नहीं आया, Xiaomi का था शायद, आई गेस, हाँ, तो वो था। अब चैनल कैसे बनता, उस समय YouTube के ट्यूटोरियल्स भी बहुत ज़्यादा नहीं होते थे आपके 2018 में ना, बहुत कम आपको ट्यूटोरियल्स मिलते थे कि चैनल कैसे बनाने हैं, क्या करना है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैंने 11 मई 2018 में मैंने अपना चैनल क्रिएट कर लिया था, लेकिन वीडियोस पर डालते कैसे हैं कि मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं था। फिर उसके बाद बीच में चीज़ें चली, जो भी हुआ, एक दो लोगों के लिए मैंने शूट किया, बट मुझे अंदर से ऐसे हैप्पी, मतलब ऐसा सेटिस्फाई नहीं होती थी कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है। फिर 2019 11 अक्टूबर को मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो अपने चैनल पर डाली। आप जाके देखोगे, अब भी देखती हूँ तो मुझे हंसी आती है, मैं चाहूँ तो खुद को भी रोस्ट कर सकूँ उन वीडियोस पे। पहला वीडियो है मेरा बालों की हर समस्या का समाधान, जो कि मैंने 11 अक्टूबर 2019 में डाला, 1 साल बाद लगभग। उस पर लगभग 250 व्यूज़ आए थे, जहाँ तक मुझे याद है, 265 ऐसा कुछ है। आप देखोगे अभी जाके लास्ट वीडियो, फर्स्ट वीडियो ना, तो मज़ेदार है, आप हंसते रह जाओगे, मतलब आपको कुछ ऐसा मिलेगा नहीं कंटेंट, लेकिन हंसी ज़रूर आ जाएगी आपको। फिर सेकंड वीडियो मैंने डाली अपनी दिवाली लुक करके, जिसमें कि 600 व्यूज़ आ गए। ठीक है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब की वीडियोज़ ऐसे लैंडस्केप मोड में 16:9 के रेशियो में डालते हैं। मैं नॉर्मल ऐसे फ़ोन जैसे फ़ोटो क्लिक करते हैं ना, 9:16 के रेशियो में, पोर्ट्रेट वाले में, मैंने वैसे ही डाल दिया। अब मैं सोचती थी कि यार मैं डाल रही हूँ कि YouTube में ऐसे क्यों नहीं आ रहा है, ऐसे क्यों दिख रहा है, मुझे ये पता नहीं था कि शूट ऐसे करते हैं फ़ोन करके। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। फिर थर्ड वीडियो मैंने डाली क्या, वाराणसी टू मुंबई। ठीक है, ब्लॉग, उस समय हर जगह बहुत ब्लॉग वाला क्रेज़ था, लेकिन ब्लॉग शूट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, कुछ भी नहीं पता था। आप देखोगे भी जाके मेरे चैनल पर पिछला वीडियो, वाराणसी टू मुंबई, मैंने आधे घंटे की वीडियो डाल दी है, मतलब समझ रहे, मतलब शॉर्ट मूवी भी आधे घंटे की नहीं होती, 10-15 मिनट की होती है, मैंने आधे घंटे 30 मिनट का वीडियो डाल दी है। ठीक है, व्यूज़ लोग इन्जॉय कर रहे थे क्योंकि नया नया था, और जैसे कि मेरे फ्रेंड्स, उनको लगा हाँ भाई शालिनी यूट्यूब करी, तो ऑब्वियसली वो सपोर्ट करेंगे, देखेंगे, तो स्टार्टिंग में मुझे सपोर्ट्स मिले, ऐसा नहीं है। ठीक है, मम्मी का फ़ोन आ गया। सो चीज़ें चलती रहीं, मैं वीडियोज़ बनाती रही, और ज़रा भी ये नहीं सोची कि हाँ मेरा चैनल
पैसे का तो मैं बिल्कुल नहीं सोच रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मुझे बस ये था कि कैसे भी करके बस मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, मेरे पास वो एक राइट हो जाए कि भाई मेरा चैनल मोनेटाइज है, मैंने मेहनत की है. पेमेंट तक का मैं अभी सोची भी नहीं थी. सो 26 अप्रैल को मेरा मेल आया दैट अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन. वो दिन मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. एक मैंने उसी समय तुरंत एक कैमरा ऑन किया और मैं तुरंत रिकॉर्ड की ताकि मैं इसको फॉरएवर इस वीडियो को रख सकूँ कि भाई उस टाइम एट द टाइम मेरी क्या फीलिंग थी, मेरे क्या इमोशंस थे, उसको मैं अटैच करूँगी आगे आपको. अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ अपना एग्जाम देख एंड यू वॉन्ट बिलीव, पता है आज मेरे 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट हो गए. जैसे ही मैंने अपना पेपर सबमिट किया है ना, ऑनलाइन एग्जाम चल रहा, जैसे सबमिट किया मेरी आदत तुरंत से क्रोम का खोल के देखने की, एक एक घंटा मैं काउंट कर रही थी. काफ़ी दिन से 3900 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा था, हो ही नहीं रहा था 4000 घंटे. मैं एकदम थक गई थी बट फाइनली द डे हैज़ कम. अब मैं जा रही हूँ मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने. विश मी ऑल लक. ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा था कि मैं कल को आपके साथ कुछ शेयर करूँ तो ये क्लिप ऐड कर सकूँ. फिर उसके बाद दो दिन बाद मुझे 28 अप्रैल को मुझे आया दैट या यू हैव बीन अप्रूव टू ज्वाइन YPP, दैट इज़ यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम. मेरे लिए सब इजी नहीं था. मैं इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता होगा. जो मैंने क्राइटेरियाज आपको बताएं कि आपको 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे वॉच टाइम, साथ ही साथ और भी चीज़ें जो कंप्लीट करनी होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको 365 दिन के अंदर करनी पड़ती हैं, मतलब एक साल के अंदर. जब आपने जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाली 2019 में, उसके 365 दिन के अंदर जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो वॉच टाइम है, वो 4000 घंटा वॉच टाइम होना चाहिए. अब यहाँ पर तो 4 साल हो गए थे, 2022 चल रहा है जब मुझे अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन का मेल आया है. मतलब आप समझ रहे हो, जो मेरे अच्छे व्यूज थे वो सब माइनस हो रहे थे एक साइड से. तो ये मेरे लिए बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी. मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, कह सकती हूँ कि हाँ भाई मोनेटाइज भी हो. पैसे का तो एकदम सोचा ही नहीं था मैंने कि ऐसा होगा भी. ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, चीज़ें हुई, मोनेटाइज हुई, तो थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि भाई हाँ मोनेटाइज हो गया, अब तो और अच्छे से काम करेंगे. फिर उसके बाद से मैं थोड़ा ध्यान से करने लगी कि हाँ भाई क्या चीज़ें बनाऊंगी तो ऑडियंस को पसंद आएगा, क्या नहीं बनाऊंगी तो पसंद आएगा, क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे थंबनेल बनाऊँ. तब बाद में मुझे जाके थोड़ा नॉलेज हुआ कि हाँ भाई थंबनेल कैसे बनाना है, कंटेंट कैसे रखना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, टैग्स कैसे देना है, ये सब चीज़ें फिर मैं थोड़ा और अवेयर होकर करने लगी और एक अपना पार्ट बना ली यूट्यूब को. नहीं भाई, अब मेरे को ये करना है, लॉन्ग टर्म पे करना है. जिस दिन मोनेटाइजेशन हुआ उस दिन मैंने डिसाइड किया कि भाई अब ये चीज़ लॉन्ग टर्म पे करनी है. क्योंकि आज ही मैं अपनी पिछले वीडियो जब उठा के देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है भाई आई हैव केम सो फार, मतलब बहुत सारे चेंजेस हुए. आप खुद देखोगे तो आपको समझ में आएगा. फिर उसके बाद किसी भी क्रिएटर के लिए जब मोनेटाइजेशन आपका हो जाता है ना, तो फर्स्ट माइलस्टोन जो होता है गूगल पिन का रिसीव होना. तो मेरे लिए गूगल पिन का रिसीव होना वॉज मैं आपको बता नहीं सकती कि जब आपके घर YouTube वाले भेजते हैं गूगल पिन ने, वो फीलिंग एकदम अलग होती है. तो मेरे लिए मैं डेट नोट करके रखी हूँ, 11 मई को मेरे पास आया दैट यू नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी. तो गूगल पिन के लिए क्या करना होता है, आपको पहले अपना आइडेंटिटी अप्रूव करना पड़ता है, फिर उसके बाद एड्रेस वेरिफिकेशन होता है आपका. तो आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए वो आपको पैन और आधार वगैरह मांगते हैं. तो अगर आपको मोनेटाइजेशन से रिलेटेड या फिर गूगल पिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी. कि सारी चीज़ें इस वीडियो में बता पाना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना, तो फिर जो क्लिक किया है जिन्होंने पेमेंट के लिए, उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता चल पाएंगी. सो यू नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, ये मुझे 11 मई को आया, और वेरीफाई योर पेमेंट एड्रेस, ये मुझे 13 मई को आया. ठीक है, अब जब आप एड्रेस के लिए अप्लाई कर दोगे उसके 15 दिन बाद लगभग आपके घर गूगल पिन आता है. अब मेरे लिए कोई चीज़ आसान, कोई काम मेरे लिए आसान था ही नहीं यार. हर चीज़ जब से मेरी ना इधर उधर नहीं होती, नहीं होता. अब 15 दिन में आना होता और मेरा कितने दिन में आया, 18-19 दिन लग गए थे. मैं बहुत परेशान थी, बार बार पोस्ट ऑफिस, क्योंकि मैं थोड़ा सा गांव साइड में मेरे घर है, तो वहाँ प्रॉब्लम होता है जो डाकिये, जो पोस्टमैन आते हैं आपके घर पे देते हैं, तो मुझे जाके वहाँ पता करना पड़ा था भैया कुछ आया है क्या गूगल की तरफ से, ये सारी चीज़ें. ठीक है, अब गूगल पिन आ गया, अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अब यहाँ था. ठीक है, अब सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, बट अभी अंदर से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डाउन था कि यार क्या मुझे क्या मिल रहा है, बस मैं ऐसे काम किए जा रही हूँ, क्या किए जा रही हूँ. अब मेरे को थोड़ा सा लगा कि नहीं भाई, अब मेरे को रिवॉर्ड मिलना चाहिए, अब मेरे को पेमेंट मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें. तो फिर उसके बाद पेमेंट कब आता है, कैसे आता है, क्यों करते हैं, क्या प्रोसीजर है, सारी चीज़ें मैंने पता की. अब मेरे पास कोई मेंटोर नहीं था, ना ही मेरे पास कोई मेरा ऐसा इंस्पिरेशन था जिसको देख के मैं इंस्पायर्ड हुई हूँ कि उससे पूछूँ, उसकी वीडियोस देखूँ कि भाई पेमेंट के लिए क्या करते हैं. अब सारी चीज़ें यूट्यूब ट्यूटोरियल के हेल्प से हो रही थी. ठीक है, अब पेमेंट की बारी आती है. सो मेरी फर्स्ट पेमेंट 29 नवंबर 2022 में आई. अब
चैनल मोनेटाइज हो गया। अब मोनेटाइज होने के बाद क्या होता है कि आपको गूगल पिन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और गूगल पिन के लिए अप्लाई तब करना पड़ता है जब आपके चैनल पर अर्निंग स्टार्ट हो जाती है और आपके $10 कंप्लीट होते हैं ना, तब जाके आपको वहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड होता है गूगल पिन के लिए अप्लाई करने का। अगर आपकी कोई वीडियोस बहुत अच्छी जा रही है ना, तब $10 टाइम नहीं लगता है कंप्लीट होने में। बट अगर ऐसे जैसे कि आपके सब्सक्राइबर 1000 है, व्यूज़ 200, 300, 400, 500 जा रहे हैं ना, तो फिर आपको $10 कंप्लीट करने में महीनों लग जाएंगे। तो $10 जैसे ही कंप्लीट होता है मोनेटाइजेशन के बाद, आपको $10 वहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड दिख देगा, आप वहाँ से गूगल पिन के लिए अप्लाई करोगे। अब आपकी अर्निंग शुरू हो गई, आपको आपने एड्रेस वेरिफिकेशन कर दिया, आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर दिया, आपने सारे बैंक डिटेल्स वगैरह सब कुछ दे दिए वहाँ पे, अब सब कुछ आपका गूगल एडसेंस अकाउंट बन गया, सारी चीज़ें बन गई। अब जो मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है यूट्यूब पेमेंट का, वो होता है $100, ठीक है। $100 आप अर्न कर लिए तो आपके अकाउंट में वो चेंज करके, लाइक इंडियन रुपीज़ में चेंज करके वो आपके अकाउंट में भेज देते हैं। मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है $100। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका चैनल कैसा ग्रो कर रहा है। आप एक महीने में $100 अर्न कर रहे हो, 200 कर रहे हो, 300 कर रहे हो, तो ये चैनल टू चैनल वेरी करता है। बट लोगों को ऐसा लगता है दैट YouTube बहुत ज़्यादा पैसा देता है, पैसा ही पैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एल्गोरिथम ये है YouTube का कि हम ऐसे डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते कि YouTube से आप कितना अर्न करते हो। हम एक आपको कंपेरेटिवली एक एग्जांपल दे सकते हैं दैट हाँ, हमें YouTube पेमेंट इतना मिला, फर्स्ट पेमेंट मेरी, दैट आई कैन बाय Realme 10 फ़ोन, ठीक है, उससे। तो आप चेक कर लो कितना हो सकता है। सो या, और अगर मेरे साइड से कोई सजेशन होगा तो आई वुड सजेस्ट कि कभी भी किसी को भी ज़बरदस्ती सब्सक्राइब मत करवाना अपना चैनल, कभी किसी को फोर्स मत करना कि वो आपकी वीडियो देखे, क्योंकि आपको यूट्यूब पे अपने एक्टिव सब्सक्राइबर गेन करने की ज़रूरत है। आप किसी से एक बार, दो बार, तीन बार व्यूज़ दिलवाओगे, लेकिन वो बार बार नहीं देगा, तो आपकी वीडियोज़ के वॉच टाइम वगैरह सब कुछ कम हो जाएंगे। और कभी भी पेड सब्सक्राइबर या व्यूज़ गेन मत करना, क्योंकि यूट्यूब को सारी चीज़ें पता होती हैं, कहाँ से आप ऑर्गेनिक चीज़ें ला रहे हो, कहाँ से इनऑर्गेनिक चीज़ें ला रहे हो। तो कभी भी आप, हो सकता है कि चैनल मोनेटाइज़ करवा लो, आप पेड पैसे लेके आप चैनल अपना 4000 घंटे वॉच टाइम करा लो, सब्सक्राइबर कंप्लीट करा लो, आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर जब अर्निंग वाली बात आती है ना, तो फिर आप अर्न नहीं कर पाओगे। आपको $10 कंप्लीट करने में 4 महीने लग जाएंगे। मुझे खुद को $100 कंप्लीट करने में लगभग 1 महीने लग गए। उस टाइम मेरी एक वीडियो बहुत अच्छी जा रही थी, वाटर पार्क की, जो कि 2 लाख व्यूज़ गए हैं उस पर। तो वो वीडियो बहुत जल्दी जा रही थी, तो उस वीडियो ने मेरी हेल्प की मेरे मिनिमम थ्रेशोल्ड को जल्द से जल्द कंप्लीट करने में। सो ऐसे ही सबकी अलग अलग स्टोरी होती है। यार मैं अभी वीडियो एडिट कर रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। बट पता है, ये एक ऐसी वीडियो है ना कि जिसको शॉर्ट किया भी नहीं जा सकता। इस वीडियो में आपकी मेहनत, आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी सक्सेस, मतलब सब कुछ इसी में है भाई साहब। इसको आप चाह के भी स्क्रिप्टेड नहीं कर सकते हो, आप चाह के भी इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो, बहुत मुश्किल है ये। मैंने तो बस कुछ डेट्स याद की थी और बाकी चीज़ें बस मैं बैठ के लिटरली एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर और ब्रदर आपसे शेयर कर रही थी, और वीडियो इतनी लंबी हो गई। और अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि जब मैं एडिट कर रही हूँ कि भाई ये तो मैंने बताया नहीं, मैंने वो तो बताया नहीं, मैंने ये डाउट क्लियर किया ही नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो मैं सोची एक वीडियो बना के आपको बोल दूँ कि यार जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो सकता है ना, तो आपका भी हो सकता है यार। आपके पास मैं हूँ, आपके पास जो भी डाउट है ना, आप प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। आप कमेंट में पूछ लो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर लो, आप मुझे फेसबुक पे पूछ लो, आप मुझे मेल कर लो, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप सब कुछ पूछ लो, ठीक है। लेकिन परेशान मत हो, आज अगर आप चाह रहे हो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना, तो डिले मत करो, आज ही स्टार्ट करो, क्योंकि पर डे लाखों चैनल्स नए क्रिएट होते हैं। आपके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे ना, वो बढ़ते जाएंगे, तो सिर्फ सोचो मत, करो। और एक बात और मैं कहूँगी, यूट्यूब एज अ फन कर रहे हो तब तो मैं गारंटी नहीं लेती हूँ, बट अगर बहुत डिटरमाइन होकर कर रहे हो ना, तो आप डेफिनेटली यार आपका भी ना चैनल मोनेटाइज होगा, आपकी भी फर्स्ट पेमेंट आएगी। तब आप देखना ये वीडियो, जब फर्स्ट पेमेंट आएगी ना, तब ये वीडियो देखोगे ना, तो मेरी हर एक सिंगल लाइन आपको बहुत ज़्यादा हिट करेगी। जिस किसी ने भी ना ये वीडियो यहाँ तक देखी है ना, उसके लिए दिस इज़ फॉर यू, यू आर द स्वीटेस्ट, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। और ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा, मैंने अपने दिल से बात करी है इसमें आप सबसे, तो थैंक यू। सो या, दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर इसके अलावा भी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में कोशिश की है, आपके क्वेरीज़ में अपना एक्सपीरियंस बताई हूँ और थोड़ा सा जर्नी काइंड ऑफ बताई हूँ, तो आपके क्या क्वेरीज़ है आप इसको कमेंट में बता दो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मैं पार्ट 2 बना दूंगी। सो या, दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ अच्छा लेकर। तब तक टेक केयर, बाय।